चलिए, हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये जो बुक है आपकी, इसमें ध्यान दीजिए आप, लगभग आपके 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर हैं लगभग। पहला चैप्टर जो है हमारा, वो हेडिंग डाल दीजिए चैप्टर नंबर वन। और जाहिर सी बात है, इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, तो चैप्टर का नाम डाल दीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट आर्टिकल है, दो पार्ट में है ये चैप्टर, बस पहला वीडियो है उसमें हम पहला आर्टिकल ले लेंगे एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम्स, और दूसरे वीडियो में हम दूसरा आर्टिकल ले लेंगे। तो ये चैप्टर आज ही कम्प्लीट हो जाएगा, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं इसमें, पूरी की पूरी थ्योरी है, लेकिन वो काम आने वाली है आपको, एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपको डेवलप करेगी कि हम क्या अभी तक पढ़ते थे और क्या अब पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक वन डाल दीजिए अब, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, बल्कि सिग्नल्स भी हैं सिस्टम्स भी हैं, एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम एंड सिग्नल्स। और सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन। तो ज़रा हम देखने की कोशिश करते हैं डिजिटल वर्ड जो है वो कहाँ कहाँ पर डेली लाइफ में यूज़ करा जाता है, या इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम। आपने पहले एक सुना होगा कि मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ शुरुआत में। पहले पुराने ज़माने में आपने भी देखा हो शायद छोटे पे अपने, कि टेप रिकॉर्डर नाम से एक डिवाइस आती थी, टेप रिकॉर्डर। उसके लिए क्या करते थे, कैसेट आती थी इस तरह की बड़ी सी, और उसमें दो इस तरह से चक्के लगे रहते थे, और इस चक्के पे जो है वो पूरा एक टेप लिपटा रहता था और इधर खाली रहता था। ये इससे ऐसे करके ऐसे यहाँ से कुछ मैकेनिज्म थी जिससे कि हेड उसका रीड कर सके, उसके बाद ये आकर के इस पर बन जाता था। फिर जब कैसेट चलती थी तो ये दोनों चक्के घूमते थे और ये टेप धीरे धीरे चलता इस पर लिपटता चला जाता था, और यहाँ पे जो मशीन का हेड होता था वो हमें साउंड प्रोड्यूस करके, जो भी इसके अंदर एक गाना भरा हुआ है, या ऐसे ही टेप रिकॉर्डर की तरह ही VCR होता था, एक VCP होता था। VCP मतलब वीडियो कैसेट प्लेयर और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। तो VCP में क्या होता था कि अगर आपके पास जैसे ये ऑडियो टेप है वैसे ही वीडियो टेप, वीडियो कैसेट आती थी, वो थोड़ा बड़ी होती थी, ठीक है ना। उसका टेप भी, इसका टेप बहुत पतला रहता था, उसका टेप थोड़ा चौड़ा भी रहता था। तो अगर हम इसको इसमें VCP में रख देते थे और फिर प्ले करते थे, तो उस केस में जो है हमें जो भी वीडियो उसमें है, गाना या मूवी वगैरह, वो प्ले होने लगती थी। VCR की खासियत ये होती थी कि इसमें आप दो पॉइंट रहते थे, दो कैसेट डाल लो और एक कैसेट की डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते थे। तो इसलिए VCP, वही काम प्ले करना है तो आपको VCP चाहिए, और VCR में भी प्ले हो जाएगा, लेकिन VCR जो है वो रिकॉर्ड भी कर लेता था, एक कैसेट की डुप्लीकेट कॉपी बना देता था ये। तो इसमें भी ये टेप्स वगैरह, ये सब जो हमारे सिस्टम्स थे, ये सब एनालॉग सिस्टम की कैटेगरी में आते थे। अब एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम में, मतलब सिग्नल में डिफरेंस क्या है, वो तो हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कहाँ कहाँ फ़र्क कैसे कर पाओगे आप। इन सब को हटा के सबसे पहले CD आई, गाने जो हैं बजाय इस कैसेट्स के, ये भी चलती नहीं कैसेट्स, और CD आने लगे, CD प्लेयर आने लगे। अब CD प्लेयर जो हैं वो आपके डिजिटल सिस्टम पे बेस्ड थे, ठीक है ना। इसको CD को प्ले करने के लिए फिर प्लेयर भी आने लगे, साउंड सिस्टम, और ये इनमें CD का ऑप्शन देने लगे। फिर पेन ड्राइव का कंसेप्ट आया, पेन ड्राइव को भी हटा के अब ब्लूटूथ और इन सब से जो है वो वाईफाई से आप डायरेक्टली जो है वो साउंड प्ले कर सकते हैं, गाना प्ले कर सकते हैं। ये सब आपके जो हैं वो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं। इनकी वर्किंग और इनकी वर्किंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वाले, इनके मैकेनिज्म जो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती थी। इसमें आप देखिए CD और ये जो भी साउंड सिस्टम होंगे वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज़ देंगे आपको। क्रिस्टल क्लियर का मतलब है कि डेटा लॉस कुछ होएगा ही नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर, या टेप में से आप साउंड प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज़। जितना महंगा आप साउंड सिस्टम ले लोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आवाज़ इसके अंदर आएगी, इसके अंदर जबकि क्रिस्टल क्लियर साउंड नहीं आएगी। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जितना गाने को सुन करके मूड बनता है, मूड मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे अगर आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो आप वास्तव में सैड हो जाएं, ऐसा मूड जो है वो ये जो एनालॉग सिस्टम्स थे इन्हीं में बनता था,
इनके अंदर बस आवाज़ की क्लैरिटी है, इनके अंदर कोई उसके मूड या कोई चीज़ वो मिसिंग सी रहती है। मतलब एक ऐसा लगता है कि कोई मशीन प्ले कर रही है, ठीक अच्छा लग रहा है कानों में, लेकिन इसीलिए आज भी लोग जो है नए गानों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो पुराने ही गानों को ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन नए नए बच्चे भी जो है देखे हैं कि वो पुराने ही गानों पे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अब उस टेक्नोलॉजी को हालांकि ले तो इस पे आए हैं सीडी पे, लेकिन उसके अंदर के जो वो क्या बोलते हैं जो मूड्स हैं वो अलग चीज़ तरह से हैं। आजकल के जो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं वो भी डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं, सितार गिटार वगैरह ये भी आपके साउंड को डिजिटली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के अपने अपने परसेप्शन है, हमें ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस इतना समझना है कि टेप रिकॉर्डर या इस तरह की जो डिवाइसेस थी वो एनालॉग सिस्टम की कैटेगरी में आती थी, ये सीडी और ये आजकल हम देख रहे हैं ये सब आपके डिजिटल सिस्टम की कैटेगरी में आती है। कैलकुलेटर की अगर हम बात करें, सिंपल एक मशीन जो आप जिससे कैलकुलेटर छोटे क्लासेस में आप कैलकुलेशन करते हैं वो भी एक्चुअली डिजिटल सिस्टम पे बेस्ड है। किस तरह से वो ऐड कर देता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है, ये सब चीज़ें हमें इस बुक में पढ़ने को मिलेंगी। साथ ही साथ कंप्यूटर्स वगैरह हैं, आजकल ये डिवाइसेस जो आ रही हैं वाईफाई की डिवाइसेस हैं या ये सब चीज़ें नई नई चीज़ें हैं, सेट टॉप बॉक्स बन रहे हैं या इस तरह की ये चीज़ें जो भी हैं ये सब आपकी जो हैं डिजिटल सिस्टम्स की कैटेगरी में आएंगी। तो अगर हम देखें कैलकुलेटर कैसे फंक्शन कर रहा है, हम अगर जानना चाहते हैं कंप्यूटर कैसे फंक्शन कर रहा है, तो उसके लिए हमें डिजिटल सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जा कर के उसके अंदर की मैकेनिज्म समझ में आएगी कि वो दो चीज़ों को ऐड कैसे कर रहा है, कैलकुलेटर कैसे ऐड कर रहा है, कंप्यूटर किसी फाइल को कैसे प्रोसेस कर रहा है, वो चीज़ हमें तब समझ में आएगी। अब हेडिंग डालिए, आप फर्स्ट आर्टिकल लिखिए एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम, एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल। अच्छा, लिखने का तरीका मैं बता दूं आपको कि इसमें देखिए थ्योरी बहुत ज़्यादा है, और ये भी आप ध्यान रखिए कई वर्ड्स ऐसे हैं यहाँ पे जिनकी कोई हिंदी ही नहीं है, जैसे मान लिया एनालॉग ही है, अब जिसका होता होगा हो सकता है बहुत टफ सी हिंदी होती हो, उसकी बात नहीं कर रहा है, तो आप लोग एनालॉग ऐसे ही लिखेंगे हिंदी वाले, इंग्लिश वाले बस इतने एनालॉग लिख लो। ज़्यादातर वर्ड्स इंग्लिश में खुद ही हैं और वो हिंदी और इंग्लिश वालों को सेम उस तरह से लिखने होंगे, ठीक है ना। हिंदी वाले एनालॉग हैं तो एनालॉग इस तरह से लिख देंगे, डिजिटल है तो डिजिटल को जो है वो हिंदी में डिजिटल ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई इसके लिए अलग से संकेत नहीं लिया जाएगा। और बेटर है कि इस चीज़ में अगर आप टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की ही सीखें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके जो हैं वो वाइवा वगैरह में या इंटरव्यूज़ वगैरह में अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो इंग्लिश के नेम से ही पूछा जाएगा, या कोई तैयारी करेंगे हायर क्लासेस में या बीटेक वगैरह करेंगे तो सब आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, तो टर्मिनोलॉजी एटलीस्ट इंग्लिश की रहेगी। और देखिए हिंदी भी वही है, वही लिखनी है आपको, तो इसलिए कॉमन सी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा एनालॉग एंड डिजिटल, डिजिटल सिग्नल पहले पढ़ना है। देखिए मैं पहले समझा दूँ आपको फिर उसके बाद हम लिख लेंगे। सपोज़ करिए टाइम और वोल्टेज का ग्राफ है, सपोज़ सपोज़ करिए मैक्सिमम वोल्टेज आपका प्लस 5 वोल्ट तक जाता है, दूसरे केस में भी मैक्सिमम वोल्टेज प्लस 5 वोल्ट का जाता है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं जैसे 0 वोल्ट है यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है और प्लस 5 वोल्ट है यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल 5 है, और वोल्टेज जो है जो सिग्नल है हमारा उसमें सपोज़ करिए 0 से 5 वोल्ट तक की सारी वैल्यूज़ अगर पॉसिबल हो सकती हैं तो हमारा सिग्नल जो कहलाएगा वो एनालॉग सिग्नल कहलाएगा। कहने का मतलब है कभी वो वोल्टेज जो है आपका 0.1 भी हो सकता है, कभी वो किसी टाइम पे वो वोल्टेज आपका 0.2 वोल्ट भी हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, 0 से 5 तक में मल्टीपल वैल्यूज़ ले ले। हम ये भी नहीं कह रहे कि 5 ही 5 वैल्यू ले ले या 6 ले ले, और ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं। 0 और 5 के बीच में आप देखिए 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके अगर हम करें तो 50 नंबर्स हो जाएंगे, अगर हम और अंदर चले जाएं 0.01, 0.02 करके तो पता नहीं कितने नंबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई सिग्नल ऐसा है जो 0 से और 5 वोल्ट तक की कोई भी वैल्यू ले सकता है, इस तरह इस टाइम पे ये है वैल्यू, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे, तो ये हमारा सिग्नल जो है वो एनालॉग सिस्टम कहलाता है, एनालॉग सिग्नल कहलाता है। बार बार मेरे मुँह से जो है वो सिग्नल की बजाय सिस्टम निकल रहा है। अच्छा, डिजिटल सिग्नल में क्या है, डिजिटल सिग्नल
क्योंकि हमारी जो मशीन्स होती हैं या हमारे जो स्विचेस होते हैं वो केवल दो ही चीज़ें पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? कि जैसे स्विच को ऑन किया या ऑफ कर दिया, ठीक है ना। तो दो ही स्टेट पहचानते हैं, और दो स्टेट पे अगर हम मशीन से काम कराएं तो हमारे सर्किट थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वजह रहती है, इस वजह से हम क्या करेंगे, वोल्टेज की मैक्सिमम दो ज़्यादा वैल्यूज ना करवा के हम अगर किसी सिस्टम में वोल्टेज की दो ही वैल्यू रखें बस, तो उस केस में जो है वो हमारा डिजिटल सिग्नल कहलाएगा। जैसे मान लिए सपोज करिए शुरुआत में वोल्टेज प्लस 5 रहा, फिर उस कुछ देर के लिए ज़ीरो हो गया, फिर आपका जो है वो ज़ीरो की बजाय हम प्लस 2 वोल्ट मान लेते हैं, ज़ीरो में फिर आपको सही से दिखाई नहीं देगा, तो प्लस 2 वोल्ट या पहले ज़ीरो से ही समझो आप, ज़्यादा सही रहेगा। तो मान लिया कुछ देर तक हमारा, कुछ टाइम तक हमारा प्लस 5 वोल्ट रहा, फिर ज़ीरो हो गया, ज़्यादा देर तक ज़ीरो रहा, फिर उसके बाद हमारा प्लस 5 वोल्ट हो गया। देखिए देखने में ऐसा ही लगेगा आपको, ठीक है ना। वो तो क्या करते हैं, कनेक्टिंग कर देते हैं, इसे कनेक्शन कर दिया, इसको इस तरह कनेक्शन कर दिया, और इसको इस तरह कनेक्शन कर दिया, ठीक है ना। तो देखने में ऐसा लगता है, लेकिन ये लाइनें जो हैं वो सेंसलेस होती हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये सेंसलेस होती हैं। इसलिए मैं पहले चाह रहा था कि आपको उस तरह बना के दिखाता कि अगर जैसे मान लीजिए सपोज करिए टाइम ये है और वोल्टेज ये है इधर, प्लस 5 ये है, और प्लस 2 का लेवल अगर ले लेते हैं हम, तो आपका जैसे प्लस 5 है कभी कभी प्लस 2 है, कभी प्लस 5 है कभी प्लस 2 है, तो उसको और सही से समझाना वो हो जाता है, इस तरह से बन जाता आपका। लेकिन हमने ज़ीरो से लिया है तो ठीक है, कुछ टाइम के प्लस 5 है, फिर ज़्यादा टाइम के लिए ज़ीरो वोल्ट है, फिर उसके बाद प्लस 5। यानी कि कहने का मतलब है हमने वोल्टेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि तुम केवल प्लस 5 या ये ज़ीरो वैल्यू ले सकते हो। तो केवल अगर दो ही वैल्यू पॉसिबल हों वोल्टेज की किसी सिस्टम किसी सिग्नल में, और उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, तो वो हमारा डिजिटल सिग्नल कहलाएगा। जो लेट आए हैं वो बात फिर से देख लें, अगर किसी सिग्नल में वोल्टेजेस के मल्टीपल लेवल्स हैं, 0 से 5 वोल्ट तक कोई भी वैल्यू वो ले सकता है, मर्जी है उसकी कुछ भी ले ले, तो वो एनालॉग सिस्टम है। और डिजिटल सिस्टम वो है जिसमें वोल्टेजेस की केवल दो ही पॉसिबल वैल्यू होंगी, वो कोई भी हो ले, प्लस 5 0 हो ले, प्लस 5 प्लस 2 हो ले, प्लस 5 प्लस 3 हो ले, मतलब कोई भी दो हो सकती है, लेकिन दो के अलावा नहीं होगा। फिर इसमें कल को ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज़ यहीं तक जाए और यहाँ से वोल्टेज का लेवल प्लस 4 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये फिर से आपके डिजिटल की कैटेगरी में नहीं आएगा। डिजिटल में जो है वो इसको प्लस 5 दूर, और अगर ये उठ गया तो फिर प्लस 5 पर ही जाकर रुकेगा। मुझे लगता है कुछ समझ में आ रहा है आपके, मैं लिखवा दूँ इनके बारे में। लिखिए, एनालॉग सिस्टम वह होता है जिसका मान एक सतत कंटिन्यूस एक सतत रेंज के अनंत मानों से में से कुछ भी हो सकता है। और ये डायग्राम बना लीजिए, तब नीचे एग्जांपल लिख दीजिए, टेम्परेचर कॉमा प्रेशर, हिंदी वाले भी लिख दें, टेम्परेचर यानी कि ताप कॉमा प्रेशर यानी कि दाब कॉमा त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। कोई भी वैल्यू ले सकता है टेम्परेचर, कोई ज़रूरी नहीं है 0.1 0.2 0.3 डिग्री भी ले सकता है, 0.4 भी ले सकता है। और एक एग्जांपल लिख लीजिए, साइन वेव। साइन वेव चाहे तो डायग्राम भी बना लीजिएगा, और साइन वेव का डायग्राम अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बना लीजिएगा। ये टाइम है, ये वोल्टेज है, देखिए एक मैक्सिमम और एक मिनिमम लेवल ये है, ये आपका रेंज हो गई। इस डेफिनेट रेंज में देखिए को हर वैल्यू पॉसिबल है, जो भी चाहिए वो आपको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि पूरी लाइन इस तरह से ट्रेस करती हुई जा रही है। तो साइन वेव भी आपका एनालॉग सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट पैरा में अब आ जाइए, ये एनालॉग सिग्नल ख़त्म हुआ, नेक्स्ट पैरा में आइए डिजिटल सिग्नल। इसमें लिखिए, डिजिटल सिग्नल वह होता है जिसका मान दो संभव मानों में से कोई एक होता है, ब्रैकेट में लिख दीजिए 0 और 1, अथवा लो एंड हाई, 0 और 1, लो और हाई। कम जो लेवल है उसको आप लो कहेंगे, जो ज़्यादा है हाई कहेंगे, कम वाले को 0 या 1 से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें फिर आगे आएंगी। इसमें आप बना सकते हैं चाहें, ये आपका 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नीचे है मतलब 0 पे होने की वजह से नहीं है, ये इससे डाउन लेवल है इसलिए 0 है,
ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे हम बाइनरी सिस्टम में 1010 इस तरह से काम होता है। तो 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हाई ये लो इस तरह से भी नाम दिया जा सकता है। ये चीज़ें डायग्राम में बना दीजिएगा, फुल स्टॉप करके आगे लिखिए। सूचना को डिजिटल रूप में व्यक्त करने हेतु, सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन, डिजिटल सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, इनकी डेफिनेशंस देखनी थी हमें। ये डायग्राम बना दिया होगा आपने शायद डिजिटल सिग्नल के साथ, और फुल स्टॉप करके सूचना को डिजिटल रूप में व्यक्त करने हेतु, सूचना को बल्कि हिंदी वाले भी इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में लिख दें, तो ये वर्ड बहुत बार आएगा आपका, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन वो चीज़ है जो कहीं से कहीं भेजनी है, वो चाहे आपका एक टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, वो चाहे आपका एक ऑडियो सिग्नल हो सकता है, कोई वीडियो सिग्नल हो सकता है। सूचना को डिजिटल रूप में व्यक्त करने हेतु डिजिटल सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है। अब हेडिंग डालिए, एनालॉग व डिजिटल सिग्नलों की तुलना या अंतर। तो इसमें देखिए तीन कॉलम बनाइए आप। प्रॉपर्टी इसका थोड़ा पतला छोटा रहेगा, चौड़ाई कम रहेगी, और एक तरफ एनालॉग और इसका डिजिटल, मतलब किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ये चाहे सीरियल नंबर डाल लीजिए एक और 1 2 3, किस प्रॉपर्टी का इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, दूसरी प्रॉपर्टी है तो इसमें क्या डिफरेंस आता है इसमें क्या डिफरेंस आता है, इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है सिग्नल, कैसा होता है ये। हाँ, तो सिग्नल के मामले में एनालॉग में लिख दीजिए, हमें पता है कि सतत मान होते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकता है, लिख लीजिए सतत सिग्नल, और उधर लिख लीजिए डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट का मतलब समझते हैं, विविक्त हिंदी में कहते हैं। डिस्क्रीट का मतलब यही होता है कुछ फिक्स्ड वैल्यू होंगी, जैसे मान लिया सपोज आप जीना चढ़ रहे हो, तो जीना चढ़ रहे हो तो इसका मतलब पैर यहाँ रखोगे, उसके बाद पैर उठा के यहीं पर रखोगे, इसमें यहाँ पे कहीं नहीं रख सकते किसी लेवल पे, उसके बाद पैर उठा के आप ऊपर ही रखोगे, उसके बाद पैर रख के ऊपर ही रखोगे, तो इस चीज़ को कहा जाता है डिस्क्रीटनेस, या फिर फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कभी कभी क्वांटाइजेशन भी कहा जाता है, कि हमारा जो हाइट है यहाँ पे क्वांटाइज्ड है, ये है फिर ये क्वांटिटी फिर ये क्वांटिटी फिर ये क्वांटिटी मिलेगी, उनके बीच की वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। तो ये आपका वहाँ पे डिस्क्रीट सिग्नल है, केवल दो ही वैल्यू मिल पाती हैं, है ना। हालांकि डिस्क्रीट का मतलब ब्रैकेट में वो भी लिख दिया जाएगा ओनली टू वैल्यूज़, क्योंकि डिस्क्रीटनेस तो यहाँ भी है, कई वैल्यूज़ नहीं हो सकती, वहाँ दो ही हो सकती हैं, इस मामले में डिस्क्रीट है और यहाँ पे सतत सिग्नल है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया एनालॉग और डिजिटल में सिग्नल वाइज वो कैसे हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन मतलब निरूपित कैसे करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए वैल्यूज़ कंटिन्यूस होती हैं, और उधर लिख लीजिए वैल्यूज़ डिसकंटिन्यूस होती हैं, और उसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आएगी एग्जांपल्स, डेली लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स हैं। अगर हम अपनी आवाज़ को देखें तो ये डिजिटल में आएगी या एनालॉग में, बिल्कुल सही एनालॉग में आएगी, क्योंकि जो हमारे वोकल कार्ड है वाइब्रेट कर रहा है, वो कितने तरीक़ों से कितने सारे वोकल कार्ड्स हैं और कितने तरह की आवाज़ निकल रही है, तो ये सब आपकी एनालॉग की कैटेगरी में जाएगी। सही है, सबने सही बताया, बहुत अच्छी बात है। तो लिखिए ह्यूमन वॉइस या हमारी आवाज़ ऐसे करके लिख लीजिए, कॉमा टेम्परेचर प्रेशर ताप दाब इत्यादि। इधर डिजिटल में लिख लीजिए कैलकुलेटर कॉमा कंप्यूटर कॉमा CD कॉमा DVD कॉमा ब्लू रे BLU ब्लू रे, ये टेक्नोलॉजी है CD DVD के ऊपर की रेंज की है थोड़ी, काफ़ी ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर किया जा सकता है हाई क्वालिटी का। इसके बाद लिखिए डेटा ट्रांसमिशन, मतलब अगर डेटा ट्रांसमिट होगा तो क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लू रे डिस्क, बिल्कुल सही बात है। मोबाइल, बिल्कुल सही है, मोबाइल भी हमारा उसी कैटेगरी में आएगा। डेटा ट्रांसमिशन में लिख दीजिए सिग्नल, इसमें लिखिए एनालॉग में सिग्नल के नॉइज से प्रभावित होने के चांस ज़्यादा होते हैं, मतलब मैं बताता हूँ आपको,
पुराने ज़माने में जब टीवी चलता था, आप सोचिए, आपको नहीं पता होगा शायद, जिसमें कि वो बड़ा सा एंटीना एक टांगते थे और क्या बोलते हैं, फिर उससे तार निकल के आता था, वो टीवी में लगता था, वो जो है आपका एनालॉग सिस्टम चलता था उस टाइम पे। ठीक है, इसमें क्या होता था, अगर आपका रोड पर से, आपके घर के बगल में रोड है, रोड पर से अगर एक बाइक भी गुजर जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग भी डिस्टरबेंस आपके टीवी में एक लाइन सी चल के ज़रूर आएगी। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि नॉइज़ का मतलब होता है कि हमारा जो सिग्नल जा रहा है उसके अंदर कुछ और मिक्स ना हो जाए, ज़रूरी नहीं है शोर ही मचे, मतलब सिग्नल कैसे भी डिस्टॉर्ट हो जाए, थोड़ा सा चेंज आ जाए या कुछ झिमझिमा झिमझिम सा होने लगे या इस तरह से झिलमिलाने लगे, तो इस तरह की चीज़ें को कहा जाता है कि हमारे सिग्नल के साथ नॉइज़ मिक्स हो गई। तो वो नॉइज़ मिक्सिंग इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसमें उसको कम करने के तरीके हैं, कम करे जा सकते हैं, इसके अंदर कम चांसेस होते हैं नॉइज़ के मिक्स होने के, और कुछ और मैकेनिज़्म भी लगाई जा सकती हैं कि ताकि नॉइज़ ना मिक्स हो। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बता दूं, आप जैसे लैपटॉप पे देखिएगा या किसी के भी चार्जर जो उसका होता है, अडैप्टर होता है या चार्जर होता है, उसका जो स्विच होता है, ठीक है ना, जिसमें 3 पिन जो लगे होते हैं, जिसको आप सॉकेट में लगाते हो, इसमें कभी कभी देखिएगा आपके पास यहाँ पे एक तार के ऊपर ही एक छोटा सा सिलेंडर टाइप का बना होता है, काले काले रंग का होता है, बिल्कुल गोल गोल सिलेंडर। तो ये चीज़ भी जो है वो आसपास के सिग्नल्स को या और इस तरह के स्ट्रे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उनसे प्रोटेक्शन के लिए होता है, किसी में लगा होगा तो यानी कि इसका मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने देने की कोशिश करी है, और किसी में नहीं लगा है तो इसका मतलब उन्होंने उसके पैसे बचा लिए। लैपटॉप चार्जर में भी होता है, बिल्कुल सर, हाँ, कि ताकि जो है वो एक्स्ट्रा इधर उधर के स्ट्रे सिग्नल्स उसको अफेक्ट ना करें, पता लगा हमने कंप्यूटर में तो सब ठीक है और पता लगा है वोल्टेज ही इसमें डिस्टर्ब जा रहा है, तो फिर उस केस में कुछ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहें। तो आप लिख लीजिए डेटा ट्रांसमिशन में, लिख लीजिए, इसमें तो लिख लिया आपने नॉइज़ से अफेक्ट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, उधर लिख लीजिए नॉइज़ से कम प्रभावित होता है तथा इसे नॉइज़ इम्यून भी बनाया जा सकता है। नॉइज़ इम्यून बनाने का मतलब है इम्यूनिटी, मतलब जैसे आजकल कोरोना में चल रहा है ना इम्यूनिटी, कि ताकि आपको कोरोना हो ही ना, तो इसका मतलब सिस्टम्स ऐसे भी इम्यून बनाए जा सकते हैं कि नॉइज़ उसमें घुस ही ना पाए। पांचवा, फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डवेयर जो है इसका फ्लेक्सिबल नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ऐसे समझिए ना कि आपने कोई कंपोनेंट एक डिज़ाइन किया, वो काम करता है, दूसरा कोई पार्ट वो काम करता है, तीसरा कोई पार्ट वो काम करता है, अब ये पार्ट आप इस कोई किसी एक डिवाइस में लगा दीजिए तो वहाँ पे अपना काम करने लगा, पूरी डिवाइस का फंक्शन अलग हो रहा है, कोई दूसरी कोई डिवाइस है उसमें भी उसी काम की ज़रूरत पड़ी, वही पार्ट आपने दूसरी डिवाइस में लगा दिया वो वहाँ काम करने लगा। जैसे आपने देखा ग्राफिक्स कार्ड हैं या मेमोरी कार्ड हैं या कुछ इस तरह से हैं, आप मेमोरी कंप्यूटर की बढ़वाना चाहो बढ़वा लो, है ना, कोई चीज़ बाद में और ऐड कराना है आपको और ऐड करा लो, हार्ड डिस्क एक लगी है तो दो लगा लो, चार लगा लो, बढ़ा लो उसकी संख्या को। ठीक है ना, तो इस तरह के ये फ्लेक्सिबिलिटी इनमें तो क्या बोलते हैं नहीं मिल पाती एनालॉग में, लेकिन उसमें मिल जाती है, वही चीज़ हम लिखाना चाह रहे हैं, हार्डवेयर इज़ नॉट फ्लेक्सिबल एनालॉग में लिखिए, और उधर लिख लिए हार्डवेयर फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इम्प्लीमेंटेड, हार्डवेयर फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इम्प्लीमेंटेड। देखो अब तुम लोग थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो, तुम सब इंग्लिश 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 ही कर रहे हो, सब इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में करा जा सकता है लेकिन उससे फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपको। फ्लेक्सिबिलिटी को तो फ्लेक्सिबिलिटी, अब उसको लचीला लचीला नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, कि वो लचीला है, लचीले का मतलब फिर आप समझो कि उसको मोड़ा जा सकता है, यूँ करा जा सकता है, तो वो अलग सेंस में यूज़ हो रही है टर्मिनोलॉजी। यूजेस, अब इसको उपयोग आप लिख सकते हो हिंदी में अपने आप, लेकिन उनके कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब डेटा ट्रांसमिशन नॉइज़ नहीं, हाँ नॉइज़ के बारे में बता रहे थे। यूजेस में लिखिए, इसका यूज़ होता है ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन, हिंदी वाले बस इतना हिंदी कर सकते हो, ऑडियो को ऐसे ऑडियो लिख दो, वीडियो और ट्रांसमिशन हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, ट्रांसमिशन जो भी होता है, ट्रांसमिशन को हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं, तो संप्रेषण लिखना यहाँ ठीक नहीं है, कहीं यूज़ नहीं होगा वो।
लिख लीजिए, ये तो क्या हो गया ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन, और यहाँ पे ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन के साथ कैलकुलेटिंग कंप्यूटिंग ये सब काम भी हो जाएंगे। उसमें उधर लिख लीजिए ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन कॉमा कंप्यूटिंग। कंप्यूट करना मतलब कोई चीज़ ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, ये तो करना ही करना है, और फिर कोई और काम कंप्यूटर जैसे जो करता है, तो वो सारे काम भी यहाँ हो जाएंगे। सेवन्थ लिखिए बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब है सिग्नल को ले जाने के लिए कितनी नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ की आपको ज़रूरत है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि इस रेंज से ये न्यू वन फ्रीक्वेंसी से लेकर के इतनी न्यू टू, यहाँ तक की फ्रीक्वेंसीज़ आपकी इस्तेमाल होंगी सिग्नल को ले जाने में। तो यहाँ पे जो है ये हमारा डिजिटल सिस्टम मात खा जाता है एनालॉग से। एनालॉग सिग्नल को जाने के लिए कम बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, जबकि डिजिटल सिग्नल को जाने के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये एक कमी है एक कह सकते हैं आप। देखिए ये कम बैंडविड्थ का प्रयोग करते हैं का प्रयोग होता है, और उधर लिख लीजिए कंज्यूम्स मोर बैंडविड्थ, अधिक बैंडविड्थ का। बैंडविड्थ की हिंदी पैंड चौड़ाई होती है, अब आप देख लो हिंदी वाले बैंडविड्थ ही लिखना सही है। किसी के सामने बैंड चौड़ाई बोलोगे और किसी के सामने बैंडविड्थ बोलोगे तो दोनों में इफेक्ट नज़र आएगा, अलग नज़र आएगा। कंज्यूम्स मोर बैंडविड्थ, अधिक बैंडविड्थ का प्रयोग करता है। लेकिन ज़्यादा बैंडविड्थ होने से कोई हमें वो दिक्कत नहीं है, हाँ, क्योंकि हमने ऑप्टिकल फाइबर वगैरह बना लिए हैं, तो इसलिए ज़्यादा बैंड जितना ज़्यादा चाहें आप जो है वो उसमें ट्रांसमिशन कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो प्रॉब्लम है वो मैनेज कर ली गई है, तो बैंडविड्थ ज़्यादा होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टोरेज, एर्थ लिखिए, लिखिए ज़रा स्टोरेज में लिखिए वेव सिग्नल्स की फॉर्म में, वेव सिग्नल्स की फॉर्म में के रूप में स्टोर होता है एनालॉग के अंदर। मतलब जो कैसेट्स और वो वीडियो कैसेट्स ऑडियो कैसेट्स पहले आती थी उनकी बात कर रहे हैं, तो वेव सिग्नल्स के रिकॉर्डिंग हो जाती थी टेप में और उससे फिर ले लेते थे हम। डिजिटल में लिखिए बाइनरी डिजिट्स जो 0 और 1 होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कंप्यूटर्स 0 1 पे काम करते हैं, तो बाइनरी डिजिट्स के रूप में स्टोर होता है। लिख लीजिए बाइनरी डिजिट्स के रूप में, ब्रैकेट में 1, 0 कर सकते हैं, बाइनरी डिजिट्स के रूप में स्टोर होता है। इंग्लिश वाले लिखते हैं स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स 1 एंड 0 एंड 1। नाइन्थ लिखिए पावर, इलेक्ट्रिसिटी कौन ज़्यादा लेता है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं ये सिस्टम्स, और ये सिस्टम्स कम इलेक्ट्रिसिटी में काम कर लेते हैं। एनालॉग में लिखिए अधिक पावर की ज़रूरत होती है, और उधर लिख लिए कम पावर की ज़रूरत होती है। टेंथ लिख दीजिए कॉस्ट, सस्ता कौन मिलता है महंगा कौन मिलता है। तो देखिए जाहिर सी बात है एडवांस टेक्नोलॉजी है, डिजिटल वाले सिस्टम्स महंगे मिलेंगे आपको। आप देखिए अच्छा खासा ऑडियो सिस्टम 10-10, 15-15 हज़ार के आते हैं, और आप वही वो FM रेडियो कार में लगा लीजिए, जहाँ अगर FM आता है तो 250-300-400 का FM रेडियो बहुत अच्छी तरह से बजता है, ठीक है ना। मतलब कोई रेडियो सुनिए आप बहुत सस्ते में सुनाई दे जाएगा, लेकिन ऑडियो सिस्टम अगर खरीदिए कोई अच्छा सा CD से चलने वाला या पेन ड्राइव से, तो अच्छी क्वालिटी का अगर आप लेंगे 8-10 हज़ार से कम का नहीं आएगा। तो इसमें लिख लीजिए लो कॉस्ट, इसकी लो कॉस्ट है, इसकी हाई कॉस्ट है। कंप्यूटर्स भी कोई सस्ते नहीं आते, कैलकुलेटर सस्ते आते हैं बस, है ना, क्योंकि वो उनका मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है ना पूरी IC कैलकुलेटर की। अगर आप पीछे PCB खोलें तो उसकी PCB पे देखिएगा कोई अलग कंपोनेंट नहीं लगे हैं, एक काले रंग का बस जरा थोड़ा बड़ा सा धब्बा सा पड़ा रहता है, ऐसा लगता है जैसे वैक्स मोम होती है ना, मोम को कोई जला के और फिर टपका दे वो धब्बा, उस तरह से जो है वो इस तरह से धब्बा पड़ा होता है, इसी में सारी सर्किटरी समाई होती है। अब जब उन्होंने यूनिफाई कर दिया सब चीज़, तो इसके कई सारे रिप्लिका बना सकते हैं, कई सारे जो है इसके डुप्लीकेट्स बना सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग वाइज वो सस्ता पड़ जाता है। तो कॉस्ट भी हो गई, एक फैक्टर है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस आपने सुना होगा अगर 12th करके आए हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, LCR वाले चैप्टर में रहता था अल्टरनेटिंग करंट वाले में। तो इम्पीडेंस वाली लिख लीजिए, इसका इम्पीडेंस लो रहता है, इसका इम्पीडेंस हाई रहता है, बाकी डिटेलिंग इम्पीडेंस के बारे में वो आगे आएगी आपके पास।
अब हेडिंग डाल दीजिए लास्ट, इसकी आज के वीडियो की लास्ट हेडिंग, डिजिटल एंड एनालॉग सिस्टम। तो इसमें क्या है, हमने डिजिटल सिग्नल पढ़ लिया, डिजिटल सिग्नल पढ़ लिया, एनालॉग सिग्नल पढ़ लिया। तो जो सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो इसका यूज़ करे तो वो एनालॉग सिस्टम हो जाएगा, और जो सिस्टम डिजिटल सिस्टम का यूज़ करे, डिजिटल सिग्नल का यूज़ करे, वो आपका डिजिटल सिस्टम हो जाएगा। जैसे आप टेप रिकॉर्डर की बात करें तो वो एनालॉग सिस्टम का यूज़ करा, टेप रिकॉर्डर हमारा एनालॉग सिस्टम हो गया। सीडी प्लेयर की बात करें, सीडी प्लेयर हमारा जो है वो सपोज़ डिजिटल सिग्नल को यूज़ कर रहा है, तो वो सीडी प्लेयर हमारा डिजिटल सिस्टम हो जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, चार लाइन की, लिख लीजिए। एनालॉग सिस्टम वह होते हैं जो एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, जो एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस वर्ड का मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर कर देना ताकि वो हमारे काम के लायक बन जाए। जैसे मान लीजिए, सपोज़ करिए आप मार्केट से आलू खरीद के लाए, तो वो आलू ऐसे ही नहीं कर लेंगे, खा लेंगे सीधे मुंह में। उस आलू को पहले आप धोएंगे, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, कच्चा आलू भी नहीं खाया जाएगा आपसे, उसको पकाएंगे, भूनेंगे, एटलीस्ट कुछ नहीं करना है, भून लीजिए या फिर पका लीजिए या फिर सब्ज़ी बनाइए उसकी किसी के साथ मिला के, उसमें नमक मिर्च वगैरह ये सब डालिए, ये प्रोसेसिंग हुई सारी, और उसके बाद तब आपने उसको खाया। तो प्रोसेसिंग वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पे कुछ ऐसे ऑपरेशंस करना, कुछ ऐसी क्रियाएं उसके ऊपर कर दें हम कि वो हमारे काम का बन जाए, ठीक है ना। एनालॉग सिस्टम वो होते हैं जो एनालॉग सिग्नल का प्रोसेसिंग करते हैं। एग्जांपल लिखिए, ऑडियो प्रवर्धक। ऑडियो प्रवर्धक को इंग्लिश में कहेंगे एम्पलीफायर। जैसे माइक में आपने बोला और आवाज़ तेज करके आ गई, कॉमा, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, वही जो टेप रिकॉर्डर की बात कर रहा था मैं, जो उसमें टेप पड़ा होता है, उसको उसमें जो राइटिंग करी जाती है मैग्नेटिक, उसमें करी जाती है। अब नेक्स्ट पैरा में आइए, डिजिटल सिस्टम वह होते हैं जो कि डिजिटल सिग्नल्स का प्रोसेसिंग करते हैं। मैनिपुलेशन या प्रोसेसिंग, मैनिपुलेशन वर्ड भी आ सकता है, डिजिटल सिग्नल्स का मैनिपुलेशन या प्रोसेसिंग करते हैं, फुल स्टॉप। इनको सिग्नल डिजिटल रूप में दिया जाता है तथा आउटपुट भी डिजिटल फॉर्म में होती है। एग्जांपल लिख लीजिए, डिजिटल कंप्यूटर, कॉमा, कैलकुलेटर, कॉमा, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कॉमा, डिजिटल ऑडियो वीडियो उपकरण। वही जैसे सीडी साउंड सिस्टम वगैरह जो हैं उन्हीं का नाम लिखा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जैसे मान लिया सपोज़ करिए ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके सामने कीबोर्ड रखा है। तो अगर आप यहाँ से, आपने कहा कि इसमें ए वाली की आपने दबाई सपोज़, तो ए वाली की दबाने का मतलब ये नहीं है कि हमने ए के लिए ए दबा दिया और ए स्टोर हो गया वहाँ पे। ये तो हमारे से इंटरेक्शन है कीबोर्ड का। अगर आप देखें इसमें कि अंदर क्या होगा जा करके, तो अंदर एक्चुअली एक कोड होता है, शायद आप लोगों में से पता हो बहुतों को, ASCII, ASCII कोड या ASCII कोड भी कहते हैं इसे। इसमें पूरा ही डिफाइन किया गया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये पहले से प्री डिफाइंड है कि अगर मैं ए टाइप करता हूँ, ठीक है ना, तो उसका मतलब 65 होगा, और उस 65 को आप बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो 1011 जो भी बनेगा, तो वो 1010 वो जाके स्टोर होंगे अंदर। तो कहने का मतलब कंप्यूटर का इनपुट वो है, लेकिन आपसे आपसे इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेज से, तो इसलिए उसमें एक कोड पूरा डिज़ाइन किया गया ताकि आप तो ए दबाओ लेकिन कंप्यूटर उसको मशीन लैंग्वेज में कुछ और समझे। तो यहाँ पे यही कहा गया था कि इनका इनपुट्स भी डिजिटल होगा और आउटपुट भी डिजिटल होगा। इनपुट जो दे रहे हैं आप एक्चुअली डिजिटल दे रहे हैं, वो तो आपकी सहूलियत के लिए ऐसा कर दिया गया। जैसे आप गाड़ी में देखो कि कार में बैठो आप, स्टेयरिंग भी आपके हाथ पे है, एक्सलेटर पैर में है, ब्रेक भी पैर में है, क्लच भी पैर में है, लेकिन ये सब हैं कहाँ पे वास्तव में। स्टेयरिंग का जो रॉड गई है वो सीधे नीचे वहाँ स्टेयरिंग रॉड में लगी है जा करके। एक्सलेटर अगर हम दबा रहे हैं तो पैर से एक्सलेटर दबा रहे हैं, तो वास्तव में वो एक्चुअली लीवर सिस्टम से, और वो ले गए हैं उसको वहाँ इंजन के पास। इंजन में फ्यूल जो है वो सप्लाई बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या जो कुछ कर रहे हैं।
क्लच से क्या कर रहे हैं आप, एक्चुअली गियर बॉक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो है तो सब हमारे पास, लेकिन एक्चुअली वो गया तो वहाँ तक है, मशीन को तो उस हमें किसी और फॉर्म में समझाना है। तो वही यहाँ पर चीज़ है, वो लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आपके जो इनपुट्स हैं वो डिजिटल में दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हमारा जो आज का वीडियो था ये ख़त्म होता है। लैंग्वेज भी इसमें थोड़ी ज़्यादा थी तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है ना। और इसका एक टॉपिक और बचा है, चलिए ओके, थैंक यू, वेलकम, हैव ए गुड डे।